मैं मरियम धावले से ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक वुमेन्स एसोसिएशन, और यहाँ पे जो बातें रखी गई हैं और उन बातों को ग्राउंड लेवल पे भी अगर देखा जाए तो ये सभी बातें बहुत ही स्पष्ट तरीके से प्रूव हो जाती है। राज्य सरकारों को एनपीआर अभी डीलिंग करना चाहिए। ये जोर क्यों दे रही है महिला मूवमेंट इस देश की, क्योंकि ये हकीकत है। आप कहीं पे भी जाओ, जो महिलाएं मार्जिनलाइज सेक्शन से है उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। पूरी महिला आंदोलन इस मुल्क के अंदर अलग अलग संगठनें घर 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 जाकर बात कर रही है, इंफॉर्मेशन ले रही है, और उस इंफॉर्मेशन के बदौलत तहसीलदार हो, कलेक्टर हो, मंत्री हो, उनको निवेदन हम दे रहे हैं ये बताने के लिए कि ये हकीकत है। महिलाओं के पास कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं। आप बर्थ सर्टिफिकेट्स अभी फॉर्मल जो सरकारी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से ही पता चलता है कि 38% इंडियन सिटीजन्स के पास बर्थ सर्टिफिकेट ही नहीं है। मतलब आज एक्चुअल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट 38% के पास है ही नहीं। जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनको तो उनके माँ बाप कौन है ये अभी तक भी पता नहीं है। ऐसे कितने सारे बच्चों को, कितने सारे लोगों को जो माइग्रेंट लेबर है, जो हर बार काम ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनका न घर होता है न कोई डॉक्यूमेंट्स होता है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स है, जिसमें औरतों का बहुत बड़ी संख्या है उस कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अंदर, वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स दूसरों का घर बनाते हैं, जिंदगी भर अपना घर नहीं होता है, उनके डॉक्यूमेंट्स का सवाल है। जो आदिवासी इलाके हैं, हम कोरबा गए, हम पालघर में गए, हम झारखंड के अलग अलग इलाकों में गए, वायनाड में गए, हर एक जगह पे आप जाइए आदिवासियों के अंदर, एक्चुअली हमारे देश के अंदर भी ये एक परंपरा उस तरह के नहीं है कि हम सब डॉक्यूमेंट्स यू नो सेव करके रखते हैं, हम डोमिसाइल है, हम ये है वो है, ये सब चीज़ होता नहीं है, आम तौर पे नहीं होता है। आदिवासियों के पास तो कुछ भी नहीं है, आप कहीं पे भी जाइए कुछ भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अब ऐसे हालात में ये बिल्कुल समझ के बाहर है कि इतना इंसिस्टेंस ये जो गवर्नमेंट कर रही है ना, इसलिए महिला आंदोलन कह रही है, इससे बहुत बड़े पैमाने पे औरतों को बहुत तकलीफ होने वाली है। आज आप ये जो डिटेंशन कैंप्स कुछ जगह पर बनाने की आप कार्रवाई कर रहे हो, इसका मतलब आपका मंसूबा कुछ तो है ना। आप पार्लियामेंट में कुछ और बोल रहे हो कि हम नहीं करेंगे, लेकिन आपकी जो पहलकदमियाँ हो रही है उससे महिला आंदोलन को काफ़ी क्या वर्ड यूज़ करना चाहिए, काफ़ी टेंशन हो रहा है कि आप बोल रहे हो एक, लेकिन आपकी तैयारी दूसरी हो रही है। अभी आंगनवाड़ी की जो संगठना है उनके साथ में हमारे ताल्लुकात है, पूरे मुल्क के अंदर आंगनवाड़ी औरतों का ट्रेनिंग उन्होंने शुरू किया है, और वो आंगनवाड़ी औरतें बता रही है कि उनको कहा जा रहा है कि आप ये डॉक्यूमेंट्स आप मांगोगे, और डाउटफुल लिखने का जो अधिकार होगा वो अधिकार उस ऑफिसर को होगा, वो ऑफिसर तय करेगा कि ये डाउटफुल है नहीं है। तो इस तरह से जहाँ पे कोई मापदंड नहीं है, जहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है, जहाँ पे बहुत बड़े पैमाने पे लोग परेशान होने वाले हैं, आप करोड़ों रुपया इस्तेमाल करके एक ऐसी कार्रवाई करने जा रहे हो देश के अंदर जिससे आम जनता को बहुत परेशानी हो रही है, वो ही पैसा आप लगाओ लोगों का खाद्य सुरक्षा के लिए, बेरोजगारी खत्म करने के लिए तो बेहतर होगा। तो इसलिए आपके सामने ये जो रखी गई है बातें ज़मीनी तौर पे हर एक संगठन यहाँ पे जो मौजूद है वो गली गली में, बस्ती बस्ती में, गांव गांव में घूम रही है। हज़ारों हमारे कार्यकर्ताएं जा रहे घर टू घर और कॉन्क्रीट एविडेंस लेकर सरकार को बता रहे हैं कि आपको डीलिंग करना ही पड़ेगा, सेंसिस और एनपीआर साथ में चलाना नामुमकिन है इस देश में, वो हो नहीं सकता है। तो यही जोर देकर ये बातें रखी गई है आपके सामने। आपसे दरख्वास्त है कि ये बातें आगे
लेके जाने के लिए आप भी मदद कीजिए, ताकि आम लोगों की ज़िंदगी में कुछ राहत लाने की कोशिश करें।